गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट्स वाई नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर प्रमोटिंग मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके प्रमोशन के लिए काम करती है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज EDP के बारे में। एंड सेकेंड, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जहाँ हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं दैट एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अंडर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को प्रमोट किया जाता है, इनकल्केट किया जाता है इन दी पर्संस दोज हु वांट टू सेट अप देयर ऑन बिजनेस। सो नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड इन दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDPs, then phases, then we'll see what are the course contents of EDPs, and then we will discuss problems and criteria for judging the effectiveness of EDP. In India, EDPs were started in 1970, लेकिन initial years में ये कुछ ही programs थे, लेकिन इनकी सक्सेस को देखते हुए और रिक्वायरमेंट को देखते हुए नाउ मैनी एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग एंड सेटिंग अप वेरियस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यदि मीनिंग की हम बात करें तो इट रेफर्स टू ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन which help individuals to set up their own profitable enterprise and become successful entrepreneurs। कहने का मतलब ये है कि जो EDPs हैं वो persons में इस तरीके से motivation देते हैं या skills inculcate करते हैं जिससे वो जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर बनना पसंद करते हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। ये एक तरीके से इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टूल है जो कि लोगों में नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करता है और उनको मोटिवेट करता है जिससे कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें और फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। यानी कि इस सभी मीनिंग को हम समराइज करना चाहें तो EDP का मतलब है दैट इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, नॉलेज एंड स्किल्स इन अ पर्सन। Then it helps in reforming entrepreneurial behavior in their day-to-day activities. And next, it helps in encouraging potential entrepreneurs to set up their own business. तो जो entrepreneurship development program है, जो कि normally EDIs कंडक्ट कराती हैं, दैट इज़
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट कराती हैं। इनका पर्पस ये है दैट पर्संस में ऐसी क्वालिटीज़, स्किल्स, नॉलेज, ट्रेड्स डेवलप करना जिससे कि वो इंस्टेंड ऑफ फाइंडिंग अ जॉब दे आर जॉब क्रिएटर्स, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ EDP विच इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। After meaning of entrepreneurship development program, next we will discuss the objectives of EDPs. Objectives की हम बात करें तो the main objectives of EDPs include these various, like the very first one is providing motivation, next is imparting entrepreneurial qualities, next helps in identifying and selecting opportunities, next knowledge of process and procedures, next knowledge of institutional support, and next training and development of individuals. The very first objective of EDPs is to provide motivation. The main objective of EDP is to motivate potential candidates जिससे कि वो इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स जॉब क्रिएटर्स बने, यानी कि वो अपने लिए जॉब ढूंढने की बजाय अपना बिजनेस सेटअप करके औरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। नेक्स्ट इज इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज। जैसा कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के बारे में पढ़ चुके हैं, सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू डेवलप दोज एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी अमंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। फिर वो चाहे कॉम्पिटेंसी टू टेक डिसीजन हो, या फिर टू फेस अनसर्टेनिटी हो, या डेवलपमेंट ऑफ विजन हो, या एबिलिटी टू कम्युनिकेट हो। व्हाटसोएवर कॉम्पिटेंसी इज मिसिंग इन द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू द पोटेंशियल कैंडिडेट। नेक्स्ट इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज। EDPs हेल्प करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जिससे वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, एक्सप्लॉयट कर सकें, उनको प्रैक्टिकेबिलिटी स्टडी कर सकें और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के अपने पर्टिकुलर आइडिया के लिए फाइनेंसिंग जनरेट कर सकें। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। EDP हेल्प करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट को जिससे वो बिजनेस को सेटअप करने के प्रोसेस एंड प्रोसीजर की नॉलेज गेन करता है और देखता है कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व हैं एंड बिजनेस को कैसे सेटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, दैट इज टू से व्हाट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन support and facilities are available to help the budding business. Next is training and development of individuals. इसमें the technical and managerial skills required for running and setting up a business is trained to the potential candidate. So these are the various objectives of EDPs. After discussing the meaning and objectives of EDPs, next we will discuss phases of EDPs. Phases की जब हम बात करते हैं तो इसको हम 3 phases में study करते हैं. First is pre-training phase, second is training phase, and third is post-training phase. First, pre-training phase में हम उन सभी एक्टिविटीज़ एंड प्रिपरेशंस
को इंक्लूड करते हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करना, ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी डिसाइड करना, पोटेंशियल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना, टूल्स एंड टेक्निक्स का सिलेक्शन करना, सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करना, एप्लीकेशन फॉर्म बनाना और फाइनली कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हुए ट्रेनिंग सिलेबस डिसाइड करना। सो दीज आर दी प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेनिंग से पहले कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज दी ट्रेनिंग फेज वेयर ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस इन दी पोटेंशियल कैंडिडेट। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टू ब्रिंग दी चेंज इन दी बिहेवियर ऑफ दी पोटेंशियल कैंडिडेट्स, जिससे कि उसको मोटिवेट किया जाए रिस्क लेने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर सेलेक्ट करने के लिए। ट्रेनिंग फेज में ही बर्डिंग कैंडिडेट्स में एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जाता है, उनको ट्रेड्स बताए जाते हैं, टेक्नोलॉजी बताई जाती है, रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पोस्ट ट्रेनिंग फेज। दिस इज अ काइंड ऑफ फॉलो अप स्टेज जिसमें पहले दो स्टेप्स को रिव्यू किया जाता है कि उनकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया गया और उससे कैंडिडेट्स के बिहेवियर में क्या क्या चेंज आया, कितने कैंडिडेट्स ने अपना बिजनेस सेटअप किया, आगे के आने वाले प्रोग्राम्स में क्या क्या चेंजेस किए जाएं और क्या फॉलो अप सर्विसेज किए जाएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए गए और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाए। तो जो डिफरेंट EDPs कंडक्ट किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड 3 फेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट इज प्री ट्रेनिंग फेज जो कि ट्रेनिंग से पहले इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, ट्रेनिंग फेज जो कि एक्चुअल ट्रेनिंग पार्ट को शो करता है, एंड थर्ड पोस्ट ट्रेनिंग फेज जो कि फॉलो अप एंड रिव्यू का काम करता है ऑफ दी EDP। आफ्टर दी फेजेस द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट कोर्स कंटेंट्स ऑफ EDPs। स्टैंडर्ड कोर्स कंटेंट्स इंक्लूड फर्स्ट द जनरल इंट्रोडक्शन, देन मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, थर्ड इज मैनेजरियल स्किल्स, फोर्थ इज नॉलेज ऑफ स्पोर्ट, देन गाइडलाइंस फॉर फिजिबिलिटी स्टडी, एंड लास्ट विजिटिंग दी प्लांट। लाइक दी वेरी फर्स्ट वन इज जर्नल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग, फीचर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट रोल इट कैन प्ले इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। अंडर दिस द पोटेंशियल कैंडिडेट्स आर गिवन द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियरल चेंजेस एज वेल एज कॉन्फिडेंस इज इंजेक्टेड सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। थर्ड इज मैनेजरियल स्किल्स। सिंस द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, सो मैनेजरियल स्किल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट and a training is given for the inculcation of these managerial skills in the budding entrepreneurs. Next is knowledge of sport. The potential candidates are given knowledge of all kinds of sports available from financial and non-financial institutions,
financial may be in the form of loans, incentives and subsidies, whereas non-financial may be in the form of training, consultancy and guidance. Next is guidelines for feasibility study. In order to avail the support provided by the government, एंटरप्रेन्योर को फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है. तो ये फिजिबिलिटी स्टडी कैसे किया जाए, कैसे हम अपने आइडिया की प्रैक्टिकेबिलिटी को चेक करें, ये गाइडलाइंस भी ईडीपी का ही पार्ट होती हैं. एंड लास्ट इज विजिटिंग द प्लांट. बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक्चुअल प्लांट्स में विजिट कराया जाता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि स्मॉल बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं और उनकी वर्किंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है. सो दीज आर दी वेरियस कोर्स कंटेंट्स ऑफ ईडीपीज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ईडीपीज, which includes first of all poor motivation, second is lack of commitment, next is non-conducive or non-supporting environment, and then we have selection of wrong trainees. The very first one is poor motivation. Normally EDPs fail to motivate potential candidates to set up their own business. Next is lack of commitment. This is the lack of commitment and sincerity on the part of potential candidates in setting up their own business. Next is non-supporting environment. Though many schemes are being started for the growth and support of entrepreneurs, but they are not available in practice. Government agencies and the other agencies do not support or trust the budding entrepreneur in establishing a new business, which again proves a problem. Next and last is selection of wrong trainees. This is the biggest problem, since the entrepreneurs, those who don't have right zeal, will not be actual the entrepreneurs. So these are few problems which are faced by EDPs, because of which the success rate of these EDPs are very poor. In last, we will discuss the criteria to assess effectiveness of EDPs. This can be judged by the way of new enterprise established. ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ट्रेनिंग ईडीपीज के थ्रू ली है, उन्होंने नए बिजनेस कितने एस्टैब्लिश किए हैं, नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड, उन्होंने आगे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है. थर्ड इज एक्टिविटी लेवल ऑफ रिस्पोंडेंट्स, वो कितना प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहे हैं. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स मेड, विच इज़ द पर्पस ऑफ ईडीपी, कि ओवरऑल कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएं, तो कितने इन्वेस्टमेंट हुई हैं, या फिर जो बिजनेस एस्टैब्लिश हुए हैं उन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है या कितनी सेल्स उन्होंने की हैं. सो दीज आर फ्यू पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ विच द इफेक्टिवनेस ऑफ ईडीपीज आर चेक्ड. So in this topic, the very first one, development of entrepreneurship, we have discussed the meaning of EDPs, objectives of EDPs, phases, course contents, problems and criteria to assess the performance of EDPs. With this, we come to an end to the first part of promotion and development of entrepreneurship, that is development of entrepreneurship. In our subsequent video, we will discuss promoting entrepreneurship through consultancy organizations. Thank you.